देवर भाभी का रिश्ता काफी प्यारा रिश्ता होता है, लेकिन कई लोग इस रिश्ते को दूसरी नजर से देखते हैं। तो आज ऐसा मामला सामने आया है कि पूरे रिश्ते को हंसी मजाक का रिश्ता बनाकर रख दिया है। आइए हम आपको बताते हैं देवर भाभी की प्यार की कहानी। ऐसी हुई थी शुरू, दोनों का अंत जानकर हैरान रह जाएंगे। देवर भाभी में हमेशा हंसी और मजाक का रिश्ता होता है। देवर भाभी को अपनी दोस्त अपनी माँ के समान मानता है, इसलिए वह अपनी छोटी बड़ी बातें अपनी भाभी से शेयर करता है और भाभी भी अपने देवर की खूब चुटकी लेती है। लेकिन कई बार इस रिश्ते की सीमा को लांघ कर देवर भाभी की एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के गाजीपुर में, जहां पर 26 साल की भाभी को 22 साल के देवर से प्यार हो गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों को अपना प्यार बचाने के लिए सिर्फ मौत ही नजर आई। ऐसे शुरू हुई देवर भाभी की कहानी। ये मामला है सितंबर 2020 का, जब 26 साल की सुनीता की शादी निषाद परिवार के बड़े बेटे से हुई। शादी के बाद सुनीता का लगाव अपने 22 साल के देवर राम मिलन निषाद से बहुत ज़्यादा हो गया। दोनों एक ही घर में रहा करते थे। ऐसे में देवर भाभी एक दूसरे से खूब बातें करते और दोनों में प्यार हो गया। इसकी भनक घर वालों को भी लग गई। सुनीता के पति ने तो अपनी पत्नी और भाई को हम बिस्तर होते भी देख लिया था। इसके बाद घर वालों ने लड़के की शादी कहीं और तय कर दी। किसी और का नहीं हो सकता मैं। जब राम मिलन की शादी किसी और से तय हुई तो देवर और भाभी बेहद परेशान हो गए। राम मिलन ने अपनी भाभी से कहा कि मैं तुम्हारे सिवा किसी और का नहीं हो सकता, और इसलिए दोनों ने कसम खाई कि जब हम एक दूसरे के नहीं हो सकते तो इस दुनिया को साथ में ही छोड़ कर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं।